ओ भाई ये क्या हो रहा है लेफ्ट साइड, ये बाइक पे क्या कर रहा है भाई? ये बैग खोल दी लड़की, बताइए ये सब लड़की सब कोचिंग बंक करके बायजूस क्लास का ये गोप्रो। ओहो राइडर राइडर। हाँ गोप्रो देख के अभी उलहरिया मारना स्टार्ट किया उसको, उलहरी आराम से चला रहा था गाड़ी, देखिए कैसे उलहरिया मार के जा रहा है। दिखाते हैं आपको एक पापा की परी को, देखिए बाइक स्कूटी चला रही है, पैर नीचे करके चल रही है, बताइए। ग्राउंड में बैठा रहिएगा तब बोलिएगा कि एक्सीडेंट हो गया, पूछिएगा कैसे, तो पापा के परी ने उड़ा डाला। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल द राज रोशन व्लॉग्स में, और आज का व्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ मैं, यहाँ से जा रहा हूँ मैं अभी रैम्बल मनीष भैया को उनका गोप्रो देने के लिए। जैसा कि आपको पता है कि मैं उनका गोप्रो लिया हुआ था, तो अभी यहाँ से जा रहे हैं पटना जंक्शन, तो चलिए चलते हैं। ओ भाई ये क्या हो रहा है लेफ्ट साइड, ये बाइक पर क्या कर रहा है भाई? ये बैग खोल दी लड़की, बताइए ये सब लड़की सब कोचिंग बंक करके बायजूस क्लास का ये बॉयफ्रेंड के साथ बैठ के चिपक चिपक के जाती है सब। अभी आ चुके गोला रोड, यहाँ से भी मुझे चलना है ऊपर फ्लाईओवर के पास, यहाँ से फ्लाईओवर पे चढ़ जाऊँगा मैं। दिखाते हैं आपको एक पापा की परी को, देखिए बाइक स्कूटी चला रही है, पैर नीचे करके चल रही है, बताइए। हमको तो नहीं लगता है इसको अभी रुकना उकना है, बताइए, यही सब ठोक देती है गाड़ी वाड़ी को। ई देखिए ई देखिए, ग्राउंड में बैठा रहिएगा तब बोलिएगा कि एक्सीडेंट हो गया, पूछिएगा कैसे, तो पापा के परी ने उड़ा डाला। ऐसा कुछ सीन है पटना में भाई, मोटो व्लॉगर काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुके हैं, जिधर देखो शाम के टाइम आप पटना के मरीन ड्राइव पे चले जाइए, मोटो ब्लॉगर नहीं दिखेंगे सिर्फ आपको। न्यू मैं बाइक लिया हूँ इसलिए मैं मोटो ब्लॉगिंग करना स्टार्ट किया, और मोटो ब्लॉगिंग मुझे नहीं लगता मैं अब ज़्यादा दिन करूँगा, बस अभी जब तक ये मेरे पास कैमरा है गोप्रो तब तक करूँगा, फिर ये कैमरा आज भैया को देने ही जा रहा हूँ, बस आज भर होगा, फिर उसके बाद थोड़ी फिर उसके बाद मोटो ब्लॉगिंग कर पाऊँगा। हाँ से फ्रेंड्स अभी हम लोग चढ़ चुके हैं राजा बाजार के फ्लाईओवर पे, यहाँ से अभी हमें सीधे जाना है पटना जंक्शन के लिए, निकल पड़े हैं। महिंद्रा थार का तो भाई बात ही नहीं है, अगर ब्लैक कलर तो भाई क्या तबाही लुक लगता है महिंद्रा थार का, अगर रोड पे जब चलता है ना भाई तो लोग इसको ऐसे घूमते हैं जैसे क्या कहना। कमेंट करके बताना कि आप लोगों ने आज से पहले और आज का ये जो ब्लॉग देखा मेरा मोटो ब्लॉगिंग, आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएँ, क्योंकि आप लोग कमेंट करना यार कि क्या मैं मोटो ब्लॉगिंग को ऐसे ही कंटिन्यू रखूं या फिर मोटो ब्लॉगिंग ना करूं, अपना मेरा जो वीडियो वायरल हुआ था इंटरव्यू लेने वाला उस टाइप का ही कंटेंट मैं डालूं, जैसे फेमस फेमस जो भी क्रिएटर हैं उनसे मिलकर उनका इंटरव्यू लेकर डालूँ। वैसे हमेशा तो ये काम मैं नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि अब भाई हमेशा फेमस फेमस क्रिएटर से मिल तो नहीं ना सकते हैं, क्योंकि रीज़न क्या है कि भाई कैसे मिलेंगे बताइए, अगर जिनसे कॉन्टैक्ट होता है जिनका एड्रेस वगैरह पता चल जाता है हमें तो हम लोग पहुँच जाते हैं, मिल लेते हैं, फिर अच्छा लगता है मिलकर उनका इंटरव्यू लेकर। तो फेमस क्रिएटर के साथ मिलने के बाद थोड़ा प्रॉफिट होता है, ये बात मैं मानता हूँ। तो आप लोग कमेंट करके बताना कि इंटरव्यू आप लोगों को हमारा अच्छा लगता है, या फिर जो मैं अभी मोटो ब्लॉगिंग कर रहा हूँ ये अच्छा लग रहा है, अगर मोटो ब्लॉगिंग अगर अच्छा लग रहा है, अगर ज़्यादा लोगों का अगर वोट अगर इस पर हुआ, वैसे मैं पोल डालूंगा, पोल पे आप लोग रिप्लाई करना, तो मैं यही करूँगा। देखिए मैं बात करते करते अभी मैं हेलमेट पहन लूँ, देखिए मैं बात करते करते अभी मैं यहाँ पर आ चुका हूँ, क्या नाम है, हाँ सरदार पटेल भवन, हमारे राइट साइड में है पटना जू, सरदार पटेल भवन है लेफ्ट साइड में, राइट साइड में है पटना जू। बात करते करते हम लोग यहाँ तक कब पहुँच गए मुझे पता ही नहीं चला, मैं जो अपना न्यू बाइक जब लिया था तो मैं इसी मंदिर से पूजा करवाया था, हनुमान मंदिर, तो यहीं पे आके हम पूजा करवाए थे अपने बाइक का। आईफोन तो भाई आईफोन है ही, गोप्रो एक अपने जगह है, कैमरा अपने जगह है, तो गोप्रो। ओहो राइडर राइडर, देखिए कैसे लहरिया मार रहा है, मेरा अभी गोप्रो देख लिया कि मैं कैमरा सेट किया हुआ हूँ। हाँ गोप्रो देख के अभी लहरिया मारना स्टार्ट किया उसको, लहरिया आराम से चला रहा था गाड़ी, देखिए कैसे लहरिया मार के जा रहा है, देखा कि गोप्रो लगाए हुए हैं, बस लहरिया मारना स्टार्ट हो गया, जान गया कि चैनल पर आएंगे। हमारे राइट साइड है बिहार म्यूजियम, आप लोग देख सकते हो, तो भाई बिहार म्यूजियम में यहाँ से हज़ारों बार गुजरा हूँ लेकिन आज तक अभी अंदर नहीं गया मैं,
तो कभी जाएंगे ब्लॉग बना जाऊंगा तो ब्लॉग भी बना लूंगा। यहाँ पे पटना वुमेंस कॉलेज का जो है छुट्टी हुआ है, ड्रेस देख के मैं पहचान गया लड़कियों लोगों का, क्योंकि पटना वुमेंस कॉलेज भाई अपना स्टार्टिंग पॉइंट है समझ लो। तो पटना वुमेंस कॉलेज से जो ही है गाइस, मैंने जो असली व्लॉगिंग जो होता है, असली व्लॉगिंग क्या देख इंटरव्यू बोलेंगे उसे, ग्रेजुएट चाय वाली जो है यहीं से वायरल हुई थी पटना वुमेंस कॉलेज के पास। उसने अपना टी स्टॉल लगाया, देखिए ये पटना वुमेंस कॉलेज है, यही पेड़ के जस्ट पीछे लगाई हुई थी ग्रेजुएट चाय वाली और वायरल हुई थी यहीं से। यहाँ पे मैंने काफ़ी अच्छे अच्छे व्लॉग बनाए लड़कियों लोगों का, जब छुट्टी हुआ था तो लड़की लोगों से भी इंटरव्यू लेके डाले हुए हैं। तो अगर आप लोग नहीं देखे हो तो आप लोग मेरा प्लेलिस्ट खोलना ग्रेजुएट चाय वाली का, सारे वीडियोज़ को देखना, काफ़ी बेहतरीन वीडियो बनाया। उस टाइम मैं टकला था, टोपी पहना करता था, पटना के मेन रोड में आ गए, यहीं से मिलने लगी हमें जाम। इस पर क्यों जा रहे हैं भाई, महिंद्रा दोनों मस्त वेपन लिए हुए हैं। हम लोग जो है डाक बंगला चौराहा से जो है राइट ले लेंगे पटना जंक्शन के लिए, और बुद्धा स्मृति पार्क के पास जो है भैया आएंगे। अब हम लोग आ चुके हैं डाक बंगला चौराहा। डाक बंगला चौराहा आते ही यहाँ पे आप स्टॉप ना हो जाओ तो मेरा नाम बदल लेना। यहाँ मैं जब आता हूँ तब यार रेड सिग्नल, बाइक कार सब रुके रहते हैं, और अभी भी वही हुआ। अब यहाँ पे रुकते हैं 5 मिनट, उसके बाद ही जो है खुलेगा। यहाँ से हम लोग डाक बंगला चौराहा से जो है फ्रेंड्स राइट ले लिए हैं, आगे है बुद्धा स्मृति पार्क, वहीं पे जाना है हमें। हमारे राइट साइड है बुद्धा स्मृति पार्क जो कि यहाँ से स्टार्ट होता है, हमें जो उस साइड जाकर रुकना पड़ेगा। भैया जो आएंगे वो उस साइड ही आएंगे, उनसे मैं कैमरा यहीं पे लिया था तो उनको मैं बोल दिया हूँ आइए, कॉल कर दिए, आ रहे हैं भैया रास्ते में। तो बाइक को मैं आगे से जाके घुमा लेता हूँ। इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है फ्रेंड्स, ये आपके अंदर पहचान लेता है कि आपको क्या चीज़ पसंद है, फिर वही चीज़ आपको ये बार बार दिखाने की कोशिश करता है। क्योंकि आप अगर कोई भी चीज़ कहीं भी प्लेटफॉर्म पे सर्च कर लो, आप गूगल पे कोई चीज़ सर्च कर लो ना, फ्लिपकार्ट पे आपको वही ऐड देखने को मिलेगा, अमेजोन पे वही ऐड देखने को मिलेगा। सोशल मीडिया आजकल के ज़माने में आप गूगल पे सर्च करिएगा तो फ्लिपकार्ट अमेजोन पे दिखाने लगेगा कि आप ले ही लीजिए, वो समझ जाता है, सब कनेक्ट रहता है एक दूसरे से। तो सोशल मीडिया यूट्यूब कुछ इस तरह का ये ऐड हो गया। पुलिस वाले डंडे मार रहे थे पीछे से, पता नहीं किसको। हमने तो भाई कुछ नहीं किया, हमने अपना फुल हेलमेट सिक्योरिटी के साथ आए हुए हैं। बुद्धा स्मृति पार्क आ चुके हैं, साइड में जो है यहाँ पे भी एक लड़की वायरल हुई थी जिसका हम वीडियो आके बनाए थे, क्या था अभी लगाई ही नहीं अभी, वो जहाँ तक मैं कंफर्म हूँ नहीं लगाई है। पकौड़ा चाय वाली वायरल हुई थी यहाँ पे,